मोटो ब्रिज 2023 जयपुर, वाह जी वाह। यहाँ पर चल रहा है सारा ब्रेकफास्ट वाला काउंटर, कॉफी वगैरह, वहाँ रहा डीजे। जो इस इवेंट में नहीं आया ना उसने बहुत कुछ मिस किया मेरे नज़र। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और सूरज दादा को भी गुड मॉर्निंग है। तो भाई आज का वीडियो होने वाला है संडे राइड। आज संडे और संडे राइड के लिए अपन निकल चुके हैं, पर आज की राइड ना कुछ अलग होने वाली है। तो भाई आप लोगों के लिए भी एक काफ़ी अच्छा वीडियो ये वाला होने वाला है। काफ़ी सारे बाइकर्स हैं और आज का अपना मीटिंग पॉइंट भी डिफरेंट है। चल अपन ऋषभ राइडर्स के साथ ही रहें, जो अपना नमन जी वाला ग्रुप है। पर मीटिंग पॉइंट आज अपना होने वाला है अमर जवान ज्योति। और जो इवेंट है ये ना भाई नेक्स्ट लेवल है। काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, मतलब जिन भी ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ सबसे मुझे ये इन्वाइट आया था। तो ये देखो भाई सुबह सुबह पूरा एक कार्यक्रम चालू है। तो ये रहा राइडर्स का अपना पूरा लाइनअप। अभी आप लोगों को पूरा लाइनअप भी दिखाते हैं। तो भाई लाइनअप चेक करो एक बार ना भाई, इससे बड़े लाइनअप के साथ मैंने अभी तक तो राइड नहीं की। आज फर्स्ट राइड होने वाली है इतनी भीड़ के साथ, और अभी और बाइक्स आना बाकी है। तो मज़े ही मज़े लो भाई आज तो ना। ये रहा भाई अपना, तो देखो अब भाई लगभग अभी यहाँ पर ना 50 के ऊपर, 50 से ज़्यादा ही होंगी, खैर लगभग 60-70 बाइक्स यहाँ पर ना अभी आ चुकी है और अभी बाइक्स आनी बाकी है। तो भाई आज होने वाली है नेक्स्ट लेवल राइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना। भाई देख लो कौन आ चुका है, मोटा भाई इज हियर। मोटा भाई कहाँ है मोटा भाई? अरे ये रे मोटा भाई, मोटा भाई फुल धूम मचाने की तैयारी में है आज। तो अपना चीता भी आ चुका है, आज चलते हैं। देखो अब होने वाला है भाई असली फन। तो सभी बाइकर सभी उधर जा चुके हैं। चलो जी फ्लैग ऑफ हो चुका है, तो करते हैं अपना ये वाला वीडियो स्टार्ट। ये भाई कोई नॉर्मल संडे राइड नहीं होने वाली आज ना। बाइकर चेक करना, लगभग 150 के अराउंड बाइक्स होने वाली हैं आज ना। तो वीडियो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाला, और हो सकता है इस वीडियो के दो पार्ट आए आप लोगों को, क्योंकि भाई इतनी बाइक्स हैं क्या कुछ अपन कवर कर लेंगे एक वीडियो में। और जो इवेंट होने वाला है ना ये, जिसके लिए अपन निकल पड़े हैं, तो ये चीज़ भी अलग ही है। और मेरे अकॉर्डिंग ना मुझे जो लगता है वो जयपुर में ही है फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा सीन बन रहा है, मतलब ऐसा इवेंट जयपुर में ना फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। तो अब सिर्फ आवाज़ के मज़े लोते रहो, क्योंकि बाइक आप नाम लो वो सब आज अपने पास अवेलेबल है। 310R से लेके एंटोर भी है भाई, मोटा भाई आज हमारे साथ हैं। अभी मोटा भाई से भी मिलाते हैं आप लोगों को, क्योंकि मोटा भाई कैसे क्या सिस्टम बिठा रखा है आजकल ना इन्होंने। 650 और 650 से भाई ने दम मचाया हुआ है। अब लोकेशन क्या है, लोकेशन अपनी रहने वाली है दिल्ली रोड पे, कोई फार्म है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की ना, भाई अपने साथ एक राइड कर रहे हैं उन्हीं की, तो वहाँ पर जाना है भाई। और जो इवेंट वगैरह सब कुछ होने वाला है, ऑफ रोडिंग ट्रैक भी है, प्लस एक डिस्प्ले भी है यूज सुपर बाइक्स का, तो वो भी सब कुछ वहीं पर होने वाला है। तो ये आ चुके हैं भाई अपन स्टेचू सर्कल। लीन मारा है तुम्हारे भाई ने, देखा ये रही भाई निंजा 650 आज भाई उधम मचाने के मूड में है। R1 काफी लोगों का भाई इस बाइक की ना एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। R1 का टोर ही अलग है, चाहे नई हो या ये वाली हो, पर कई लोग इसकी बेइज्जती कर जाते हैं R15 बोल के ना। तो सिटी का रूट लेने वाले हैं अपन लोग ना, तो आज आप लोगों को दिखाते हैं पुराना जयपुर। चलो तो अपन एंटर हो रहे हैं अजमेरी गेट से। ये रहा जो जयपुर का बाइक मार्केट है ना, जैसे दिल्ली में करोल बाग है ऐसे सरीज को। ये रहे भाई हमारे मोटा भाई, और फुल धूम मचाते हुए फुल एकदम भाई साहब। मोटा भाई ने हाथ वात एकदम कोनी आगे करके फुल एकदम ना जॉन अब्राहम बने हुए हैं आज, ये हमारे हर्ष अब्राहम।
इधर से लेंगे अपन हवा महल वाला रूट, तो हवा महल भी दिखा देते हैं। जयपुर भ्रमण करने निकला हूँ मैं यार, ये लग रहा है मुझे जयपुर दर्शन करवाने निकला हूँ आप सब लोगों को ना। तो भाई हेयर इज जयपुर का हवा महल। भाई पूरे दिन धूम मची रहती है इस रोड पे ना, ये सुबह 9:30 का टाइम है यहाँ पर ना, टूरिस्ट काफी सारे आते हैं। स्वागत है भाई अपन जल महल, और भाई फुल फॉग में ढका हुआ है आज ना जल महल, और यहाँ पे कोई वो एक फेयर वगैरह भी चल रहा है। अब यहाँ से लेंगे अपन आमेर वाला रूट और फिर अपन निकल जाएंगे दिल्ली हाईवे पे, जयपुर दिल्ली वाले पे। ये उछले देखो मोटा भाई, मोटा भाई भाई हाथ नहीं आ रहा आज ना, ये आदमी कुछ अलग ही करके मानेगा आज। अब आ गए भाई आमेर के कर्व्स। एक बार अब ये जो रूट है ना आमेर वाला, जलमहल टू आमेर वाला, ये चीज चेक कर रहा हूँ, हमारे एसएफ जगह घर आने वाला है भाई ऐसे थोड़ी। ओहो यहाँ पर ना कई बार इस टाइप का उधम भी हो जाता है। यहाँ से चढ़ता है नारगढ़ जयगढ़ और सीधा आता है आमेर, आमेर फोर्ट के मज़े लेना। हो सकता है आमेर पे थोड़ा सा होल्ड भी लिया जाए क्योंकि राइडर्स को गैदर करने के लिए। भाई सुपर वाइक वालों के तो फुल मज़े हैं, पर अपन भी ना इस चीज़ में इन कर्व्स में पीछे नहीं बैठ रहे हैं। बस यहाँ पर ये जो ब्लाइंड टर्न्स आते हैं इनका ध्यान रखना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे लाइनअप की वन ऑफ द लाउडेस्ट बाइक है ये जिक्सर आर है, शायद ना आर वाला वेरिएंट है या आरआर होगा। आ चुके हैं भाई मनाली के पहाड़ों में, ये आ गया भाई आमेर अपना। एसएफजे कहाँ हो तुम? एसएफजे आज आए नहीं भाई सब, और पता भी नहीं भाई कहीं से प्रकट हो जाए तो। तो ये रहा हमारा आमेर। तो सब मोटा भाई को पकड़ लिया आखिरकार अपन ने ना, हाईवे पे आने के बाद मिले ही हैं, सिटी में तो हाथ ही नहीं आए और हाईवे पे भी हाथ नहीं आ रहे हैं। चीज़ चेक करें ये रहा 100, मोटा भाई अपन से आ गए हैं। मोटा भाई चला रहे हैं 110-120। मोटो ब्रिज 2023 जयपुर, वाह जी वाह यार, ये तो सारा कुछ अनएक्सपेक्टेड सा है। सर आ चुके हैं अपनी ब्रेकफास्ट लोकेशन पे, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था ना, ऐसा इवेंट भाई जयपुर में अभी तक तो नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम, और इतनी सारी बाइक्स हैं मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। अभी भी कुछ बाइक्स आना बाकी हैं, तो एक बार लाइनअप पूरा होने दो फिर मैं आप लोगों को पूरा टूर दूंगा कि क्या लाइनअप रहने वाला है। पहले ये चीज़ चेक करो मोटो ब्रिज 2023 जयपुर, तो हो सकता है ड्रोन शॉट वगैरह लेना हो तो बाहर से आप लोगों ने सिर्फ देखा था, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रूफ पे। भाई तुम्हारा भाई सबसे पहले अपने को काम चाहिए ये वाला, ब्रेकफास्ट वगैरह सब होता रहना है। पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या लोकेशन है, मतलब क्या पूरा इवेंट होने वाला है, किस टाइप का है, एक ब्रीफिंग देता हूँ आप लोगों को ना। तो ये चीज़ चेक करो भाई, यहाँ पर चल रहा है सारा ब्रेकफास्ट वाला काउंटर, कॉफी वगैरह, वहाँ रहा डीजे, स्टेज है, प्लस स्टॉल्स भी यहाँ पर आप लोगों को कुछ कुछ देखने को मिलेंगे। ओवर कस्टम पिट स्टॉप राइडर्स कैफे, जो इस प्रॉपर्टी के ओनर है, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो पूरा फार्म है ये पिट स्टॉप द राइडर्स कैफे वाले जो ओनर हैं, अभी मैं उनसे भी मिलाता हूँ आप लोगों को, उनका है ये रहे भाई हमारे नमन जी। तो अभी नमन जी से भी बात करते हैं, नमन जी थोड़ा सा अपने से पहले आ चुके थे। उसके अलावा BMW मोटर आर्ट का एक पूरा लाइनअप लगा हुआ है, 850 GS है प्लस R90 है, ये रहा आपका पूल, पर पूल वाला भी भाई सिस्टम ही नहीं है, अभी सबके हाथ ही जमे हुए हैं। यहाँ पर एक ट्रायम की कैनोपी है, ट्रायम में ट्राइडेंट है, तो ये है भाई कुछ इस टाइप का पूरा सेटअप यहाँ पर, काफ़ी अच्छा है। और पिट स्टॉप वाला जो सेट स्टॉल है या फिर कह सकते हो जो एक कैनोपी है, वहाँ पर ना मर्चेंडाइज भी है, ऑयल वगैरह, राइडिंग जैकेट, राइडिंग बूट्स वगैरह वो सब। और है डीजे, जो कि अपन को आज बात नहीं करने देगा, और इनकी वजह से हमारी भैंसें डर गई बेचारी। चलो चलते हैं नीचे। और एक चीज़ और इस जगह की काफ़ी अच्छी है, अगर आपके पास एडवेंचर बाइक है तो भाई ट्रैक, तो ये रहा भाई आपका पूरा एडवेंचर ट्रैक। सो यहाँ से ये स्टार्ट होता है और कुछ इस टाइप से ऑब्स्टिकल वगैरह बनाए हुए हैं, वहाँ पर एक स्लश का पॉन्ड भी है, मतलब स्लश बनाया हुआ है, और कुछ इस टाइप का है, जिसको करना है वो कर सकता है। मोटा भाई इज़ हियर,
तुम रास्ता भूल गए थे क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, आरवन पंचर हुई थी और उसकी नोजल ही टूट गई, पंचर नहीं हुई थी, तो उसके साथ खड़े थे उसके साथ वालों के लिए हेल्पर। एक जगह पे मैं चल रहा 95, ये पार्टी आ गए भाई साहब, एक आदमी ने यहाँ पे पार्टी बदल ली। क्या बात कर रहे हो? अरे ये पार्टी नहीं बदली, ये आदमी यहाँ नहीं है, ये आदमी यहाँ है। सारी पार्टी में वो है। बदली नहीं बदली, ये बंदा गाड़ियाँ खड़ी कर रहा है अंदर। सुनो, आधी बदली, आधी भाई, आधी बदली है, आधा इधर है, आधा इधर है। अपन पूरे पूरे सबकी तरफ है, अपन पूरे पूरे सबके। ये आदमी वहाँ का हो गया, ये आदमी अब वहाँ की गाड़ी खड़ी करनी खरीदनी पड़ेगी। मैं अभी भी एंटॉर्क पे आया हूँ। सर बाइक्स आ चुकी हैं अब ऑफ रोड ट्रैक पे, तो अब इन्जॉय करो ऑफ रोडिंग वाले अपने सारे सिनेमेटिक्स। ये रहे भाई आपकी फर्स्ट बाइक। तो भाई जो अपना ड्यूक 390 था ना, वो भाई का फॉल चेक करो एक बार ना। हाँ प्ले करो। ओ हो भाई तगड़ा ही गिरा है, जो फ्रेम स्लाइडर थे ना वो तक भी बैंड हो गए उसके। एक बार वो फोटो चेक करा ना। ये रहा, ये देखो भाई आया, हाँ आ रहा है भाई, तगड़ा ही फॉल हुआ है भाई का। और जो भाई ने फोटो क्लिक कर लिया ना ये वाला, ये मतलब मैटर एंड कर दिया। और सबसे अच्छे शॉट किसके आ रहे हैं? इस वाली बाइक के, सब कह रहे हैं इस वाली बाइक के। 2-1 start। तो ये भाई 3-0 से हार गए, हमारा नाम डुबो दिया। अब मोटा भाई की बारी आ रही है, अरिजीत सिंह जी भी आएंगे। ऐसे में तो थोड़ी बात ले सकते हैं। अरे अरे आवाज से अरिजीत छोड़ना नहीं है। ये मोटा भाई लगा है, जॉइंट भी मेरा, जॉइंट भी मेरा। मोटा भाई का जलवा देखा? ओ मोटा भाई, तुम्हारा जलवा देखा तुमने? ना जलवा चारों तरफ है। इस आदमी का हार के भी वहां से भीड़ लिया है सारी है। देखो कितना ही, देखो खाली कर दिया। चर्चा सिर्फ अपनी होगी, तुम बैठो पहले 10 मिनट हाफ आराम से। तो भाई कॉफी राउंड 3 अपना स्टार्ट हो चुका है, भैया बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अपने को जाना है सीधा जिम। तो भैया को मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, मैंने आपकी जैसी मर्जी आए वो चीज़ बना के दो। थैंक यू भैया, वेरी टर्बो कॉफी। इंटरव्यू दीजिए सर, कैसा लग रहा आपको इवेंट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छे से आए। बाकी राइडर्स के लिए बोलना कि वो बाकी राइडर्स को आप ही बोलो, इसलिए तो मैंने आपका इंटरव्यू लिया है। आई को नहीं, एसएफजे को बोलो पहले। तो एसएफजे और एसएफजे सारे ही नहीं, एसएफजे अभिषेक जी, हाँ अभिषेक भैया वाली 2900 नंबर वाली भूसा का भोकाल रह गया। अभिषेक मेहरबान, तीन अभिषेक है, तीनों के पास भूसा है। पर सबको एक बार आप बोल दो कि आना है अगले इवेंट में। अगले इवेंट में जरूर आना है, मतलब ये इवेंट वेस्ट नहीं करना है। बहुत बहुत बढ़िया इवेंट हुआ था यार, और मतलब जो इस इवेंट में नहीं आया ना उसने बहुत कुछ मिस किया मेरी नज़र में। ऑफ रोडिंग में यार कितने ही बढ़िया बढ़िया शॉट्स आप लोगों ने देख लिए, तो इवेंट लगभग ना वाइंड अप हो चुका है। तो अब नमन भैया के साथ वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड, करते अपना वीडियो ये रहा कॉफ़ी के साथ एंड करेंगे, नमन भैया और कॉफ़ी के साथ एंड है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।